18 दिसंबर सतनाम समाज के लिए सबसे पवित्र दिन होता है, क्योंकि इस दिन सतनाम समाज गुरु बाबा घासीदास की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन धर्मनगरी में बाबा गुरु घासीदास की जयंती मनाने के लिए एक दिन पहले राजिम में सतनाम समाज की भव्य शोभा यात्रा और सतनाम अखाड़ा का शौर्य प्रदर्शन दिखाने को मिला जिला गरियाबंद में। देखिए जिला गरियाबंद से शेख इमरान की रिपोर्ट। जिले के सतनाम समाज धर्म के अनुयायियों ने धर्मनगरी राजिम में गाजे बाजे के साथ सैकड़ों की तादाद में नगर के प्रमुख मार्ग में विशाल सतनाम शोभा यात्रा निकाली। इस अवसर पर गुरु घासीदास स्तंभ परिसर में पूर्व पंचायत मंत्री अमितेश शुक्ला ने विधिवत पूजा अर्चना कर जय स्तंभ में ध्वजारोहण किया, जिसके बाद भव्य सतनाम रैली शोभा यात्रा निकाली गई। राजिम हृदय स्थल पंडित सुंदरलाल शर्मा चौक से नगर भ्रमण में निकली इस रैली में समाज के अनुयायियों ने अस्त्र शस्त्र से मनमोहक सतनाम अखाड़ा शौर्य का प्रदर्शन युवक और युवतियों के द्वारा किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में जनसैलाब उमड़ा। नगर भ्रमण में निकले इस विशाल जलसे में राजिम क्षेत्र के विधायक संतोष उपाध्याय अपने समर्थकों के साथ रैली में प्रमुख रूप से सम्मिलित रहे। वहीं समाज के लोगों को गुरु घासीदास के उपदेशों के अनुरूप सत्य के मार्ग में चलने के लिए अपील भी की। पूरे क्षेत्र में 70 गांव के लोग आए हैं और बाबा घासीदास जो पूरे देश के मार्गदर्शक हैं, उस समाज के लोग सारे समाजों को लेकर राजिम में एक रैली का आयोजन किया गया है। जन भावना के मुताबिक उनके संदेशों को पहुंचाया जा रहा है और आज ये शौर्य प्रदर्शन छोटे छोटे बच्चियों में इतनी खुशी दिख रही है कि बाबा के जन्मदिन के अवसर पर एक संदेश है, भाईचारा की भावना और उनका जो मुख्य संदेश है मन के एक बरोबर उस सिद्धांत को लेकर चल रहे हैं। मैं आज अपने और बाबा के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने एक सामान्य जीवन जीकर एक बढ़िया मार्ग प्रदर्शक बनकर युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए एक नया संदेश दिया है, जिसमें समरसता की भावना बनी है, भाईचारा बनी है और हमारे पूर्वजों की सपना साकार हुआ है। धन्यवाद। सतनाम धर्म की अनुयायी बालिकाओं के हैरत अंगेज अखाड़े देखने लोगों का हुजूम जुटा रहा। बालिकाओं का शौर्य प्रदर्शन देखते ही बन रहा था। वहीं सतनाम समाज की शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में सतनाम समाज के लोग शामिल थे। की तरफ से आए हैं सतनाम अखाड़े के लिए, हम लोग सबको चाल के हम सबको दिखाते हैं, इंटरटेनमेंट। हाँ, क्या संदेश देना चाहते हैं? सब रास्ता मन के एक बराबर। गुरु घासीदास जी के 261वीं जयंती के एक दिन पूर्व राजिम में भव्य सतनाम संदेश शोभा यात्रा के आयोजन तहसील स्तरीय सतनामी समाज परिक्षेत्र राजिम के द्वारा किया गया है, जिसमें हमारे समाज के 70-72 गांव के और पूरे जिला के लोग हमारे समाज के यहाँ पर उपस्थित है। और हम संत बाबा गुरु घासीदास जी के सिद्धांत है मन के एक समान, उनकी समरसता के संदेश है स्वतंत्रता, भाईचारा, बंधुत्व की भावना, उसको जन जन तक पहुँचाने के लिए आयोजन सतनामी समाज की ओर से किया गया है, जिसमें अखाड़ा प्रदर्शन, पंथी पार्टी, नर्तक दल आज लगभग हमारे समाज के यहाँ पे 3000 लोग शामिल होंगे आज कार्यक्रम में। बाबा गुरु घासीदास जी का सतनाम संदेश शोभा यात्रा, हम लोग परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती 18 दिसंबर को हर वर्ष मनाते हैं। उसकी पूर्व संध्या पर 16 तारीख 17 तारीख उसके पूर्व जो है हम जो है समाज के सभी वर्ग जो है एक साथ मनाने के लिए और बाबा गुरु घासीदास जी के उपदेश को जनमानस तक पहुंचाने के लिए जन जन तक सबको समाज को लेकर के बाबा गुरु घासीदास जी के जो उपदेश दिए हैं वो जनमानस में पनपे, इन्हीं भावनाओं के साथ हम लोग सतनाम संदेश शोभा यात्रा का आयोजन करते हैं। मन के एक समान के संदेश को लेकर गुरु बाबा घासीदास का भव्य शोभा यात्रा निकाला गया है। कुछ दिनों बाद बाबा गुरु घासीदास का जयंती है, इसको लेकर पूरी तैयारी देखा जा रहा है और जो सतनाम समाज में है इस शोभा यात्रा को लेकर काफ़ी उत्साहित है। साथ ही सतनाम समाज के द्वारा शौर्य प्रदर्शन भी किया जा रहा है, अखाड़े की भी प्रस्तुति की जा रही है और भीड़ को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सतनाम संदेश को पहुँचाने के लिए किस तरह समाज के लोग शोभा यात्रा निकाले हैं और मन के एक समान जो एक बड़ा उपदेश है, जो बड़ा संदेश है उसे पहुँचाया जा रहा है।
और आप देख सकते हैं जो जैत खाम है, जो सत्य का प्रतीक है, वहाँ ये पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही सौर्य का एक बड़ा भव्यता यहाँ पे देखा गया। सभी लोग खुश हैं और सभी का एक ही संदेश है कि जो बाबा गुरु घासीदास का जो संदेश है वो जग में फैले, और इस संदेश को लेकर जो है सत्रहवीं समाज काफ़ी उत्साहित है, और इसी उत्साह के साथ एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। glimpse.in के लिए कैमरामैन लक्ष्मी शंकर के साथ शेख इमरान गरियाबंद। glimpse.in में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। For more information, log on to www.glimpse.in.